नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं काशी के तुलसी घाट पर हूँ। तुलसी घाट जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतिम चार कांड लिखे थे। इस वक्त भी सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी तुलसीदास जी से जुड़ी हुई कई स्मृति चिन्ह यहाँ पर हैं। मेरे साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खड़ाऊ हैं जो तुलसीदास जी पहना करते थे। ये उसी वक्त की है, करीब 500 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये खड़ाऊ है उनके, गोस्वामी तुलसीदास जी की। ये नाव का वो टुकड़ा है जिसके जरिए वो गंगा में जाया करते थे। यही हनुमान मंदिर है जहाँ पर वो पूजा किया करते थे। इस मंदिर की स्थापना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। रामचरितमानस के अंतिम चार कांड उन्होंने यहीं पूरे किए। विनय पत्रिका, साथ ही हनुमान चालीसा यहीं उन्होंने लिखी और यहीं पर उन्होंने अंतिम समय में अपने प्राण त्यागे। ऊपर जो कमरा है जहाँ पर भगवान राम की मूर्ति है, वहीं पर वो रहा करते थे। आप मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय भी ऐसा, मतलब सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये भवन ऐसा ही है, बुलंदी के साथ खड़ा है। ये पूरा उस वक्त वहाँ तक 80 घाट हुआ करता था। अब इस घाट का नाम तुलसी घाट है। 80 घाट का थोड़ा सा टुकड़ा उधर है और ये जो है तुलसी घाट है। आप आइए मेरे साथ, चलते हैं उस कक्ष में जहाँ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे और पूजा किया करते थे, और यहीं पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। आप देख सकते हैं ये पुरानी जो दीवारें हैं कितनी भव्य और मजबूत इमारत है। बहुत चौड़ी चौड़ी दीवार है लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग। गंगा के तट पर खड़ी ये इमारत, यहाँ पर अपना आना अपने आप में एक आध्यात्मिक शांति महसूस करने जैसी चीज़ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसे देखकर वास्तव में आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा और पुण्य भी प्राप्त होगा। आइए, धीरे धीरे आइए मेरे साथ और देखिए। मैं आपको उस कक्ष की ओर ले जाने की कोशिश करूँगा जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे। यहाँ पर मूर्ति रखी है गोस्वामी तुलसीदास जी की, यही पर रहते थे। कक्ष जो है, ये कक्ष ये मंदिर है ना? अच्छा, मंदिर है अंदर, ये मंदिर है। अच्छा अच्छा, जहाँ पूजा करते थे गोस्वामी जी। स्थापना की थी जी, ये स्थापना की थी राम लक्ष्मण सीता की, उन्होंने ही स्थापना की थी, की थी। इस इन मूर्तियों की भी स्थापना उन्होंने की थी। आप देखिए अद्भुत दृश्य है, फोटो नहीं दिखा सकते लेकिन अद्भुत दृश्य है। भगवान राम माँ सीता की मूर्ति है ये गोस्वामी तुलसीदास जी। ये नीचे ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं क्या? नहीं नहीं, तो राम, ये राम लक्ष्मण और सीता जी। अच्छा अच्छा, राम लक्ष्मण सीता जी हैं, उसी काल की हैं, उसी समय की। खुद कहाँ रहते थे गोस्वामी जी? यहाँ रहते थे, ये पहले नहीं था, केस नहीं था इसमें। अच्छा, ये चौकी उनकी है? चौकी भी नहीं है, ये नीचे रहते थे, ये हम लोग ने एक लगा रखा है, बाद में लगा के रखा, कवर कर सुरक्षित के, सुरक्षा के लिए। नहीं, ये जो फोटो है, फोटो तो बाद का बनाया है मेरे ख्याल से। नहीं, बाद का बनाया। रहने के लिए मतलब इसी छोटी सी जगह में रहते थे क्या? ये कुछ नहीं था पहले, वो नीचे बस वो। अच्छा अच्छा, नीचे ही बिस्तर लगाते थे। ये मंदिर उसी काल का है, उसी उन्हीं का बनाया, तो पूजा ही क्या करते थे। ओके, तो दोस्तों ये अपने आप में एक इतिहास के सैकड़ों साल पीछे जाने की अनुभूति मैं महसूस कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता, भगवान राम के अनन्य भक्त, वो यहाँ पर रहते थे। यहाँ आना अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक शांति महसूस करना है। ये जगह अपने आप में एक आध्यात्मिक शांति का एहसास कराने वाली है। यहाँ पर आना वास्तव में ये महसूस करना है कि किस तरह से धर्म आस्था के प्रतीक गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस कालखंड में राम भक्ति की और राम के आशीर्वाद से ही रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को
भारतीय सभ्यता संस्कृति और भारतीय जनमानस को अर्पित किया। कैमरे से योगी नवी अहमद के साथ मनोज शर्मा, काशी।